हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम परचेज वाउचर में कैसे इनवॉइस नंबर सेट कर सकते हैं और इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में चले जाइए, वी प्रेस कीजिए, ठीक है। अभी हमारे जो कंपनी है उसमें हमारे पास पैसा हमने लगा दिया है, ठीक है। पैसा लगाने के लिए अगर आप पैसा रिसीव कराना चाहते हैं कंपनी में, तो आपको रिसीव वाउचर में जाना चाहिए, वहां पर जाकर के आपको एंट्री करनी होगी अगर आप पैसा रिसीव कराना चाहते हैं तो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे परचेज वाउचर में रिसीव नंबर सेट करना है ताकि इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता रहे। तो इसके लिए सबसे पहले कहाँ जाइए, आप आ जाइए अकाउंट इन्फो पे, एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ से आ जाइए वाउचर टाइप्स पर। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो फिर अल्टरेशन मोड पर आ जाइए, यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आ जाइए परचेज पर। ये जो परचेज दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये दिख रहा है आपको परचेज, यहां पर आ जाइए आप और यहां पर आ जाइए एडवांस यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पर, इसको यस कर दीजिए, वाई प्रेस कर दीजिए, ये यस हो जाएगा। अब कह रहा है स्टार्टिंग नंबर, आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्टार्टिंग नंबर यहां पे दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आप 501 से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहां 501 लिख दीजिए, यहां पर आप 1 लिख दीजिए, ठीक है, और एंटर प्रेस कीजिए। प्रीफिक्स विद 0 अगर यस प्रेस करते हैं, वाई प्रेस करते हैं तो ये यस हो जाएगा। यहां पर वो डेट आ जाएगी, हम ये जो क्रम है वाउचर नंबर का, इनवॉइस नंबर का, वो ईयरली चेंज करना चाहते हैं, डेली चेंज करना चाहते हैं या मंथली चेंज करना चाहते हैं, ये सारी चीजें यहां से आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप यहां नेवर कर देंगे तो ये कभी चेंज नहीं होगी, इसी पैटर्न पे ये चलता चला जाएगा। एंटर प्रेस कीजिए। अब यहां पर कह रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से ये एप्लीकेबल हो रहा है, तो यहां पे 1/4 ही मैं कर देता हूं, 1/4/2020 तो वो दे सकते हैं। इसके पहले मैंने सेल्स वाउचर में इनवॉइस नंबर सेट करना सिखाया था आपको, ऑटोमेटिक कैसे सेट होगा, तो वो सिखा दिया था, इसमें हम इसको सीखेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट लिखा हमने और TSI 01 ये लिख दिया हमने, ठीक है, और एंटरप्रेस किया ये लिखा हमने, एंटरप्रेस किया। अब ये हमारा पूरा डिटेल सेट हो गया एंटरप्रेस करते हुए, अब इसको एक्सेप्ट कराता हूं मैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। चलिए ये परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं, चलते हैं परचेज वाउचर में, वी प्रेस करता हूं और अब परचेज वाउचर में आने के लिए आपको प्रेस करना है F9, ठीक है, F9 प्रेस कर दीजिए। अब यहां पे देख सकते हैं जो हमने लिखा था TSI 0101, ये पहले हमने लिखा था 101 से शुरुआत होनी है, 503 ये देख सकते हैं, और फिर यहां पे RNH जो हमने लिखा था वो आ रहा है यहां पे सेट होकर के, ठीक है। अब यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आपको खुद से डालना है, तो ये डाल दिया हमने 120 सप्लायर का इनवॉइस नंबर है, ये डेट जिस डेट पे खरीदारी होगी, ठीक है, और यहां से आ जाएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो ये आयुष क्रेडिटर हमने डाल दिया है। एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइए, यहां पर परचेस अकाउंट का लेजर आ जाएगा और जो भी आपने स्टॉक आइटम परचेस करना है वो यहां पे डाल दीजिए, और यहां पे मान लीजिए 8 क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं की कीमत 120 रुपए। अगर कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहां पर डिस्काउंट भी मैंने एक्टिवेट रखा है और MRP का ये भी हमने एक्टिवेट रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं यहां पे। तो यहाँ पे डिस्काउंट देता हूँ 0.10% का, ये डिस्काउंट हमें मिल गया सप्लायर की तरफ से, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको CGST SGST अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, यहाँ पर CGST का लेजर हमने बनाया है, आप बना सकते हैं इसको, लगा भी सकते हैं, तो ये लगा दिया हमने। 959.04 रुपए के ऊपर 87 रुपए CGST लग गया। सेम स्टेट की बात है तो SGST भी लगाएंगे, तो यहां से एस प्रेस किया हमने और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये SGST भी लग गया, दोनों बराबर बराबर अमाउंट में लग गया। एंटर प्रेस करते हुए इसको न्यू रेफरेंस रखेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं, पिछले वीडियो में बताया था हमने कि नरेशन हम कैसे प्रिंट करेंगे, वो चीजें कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। एंटर प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस किया और ये एक्सेप्ट करा लिया हमने इसे, ठीक है। अब इसका जब प्रिंट देखना होगा तो हम प्रिंट देख सकते हैं, दो बार डी प्रेस करेंगे डिस्प्ले में चले जाएंगे और ये लास्ट वाला एंट्री जो है आप देख सकते हैं, यही हमारी एंट्री है। एंटर प्रेस किया, अब इसको प्रिंट करना है, ऑल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, तो ये अब सेव करना, जो हमने सेव किया था वो यहाँ पे आ गया है, डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। और सेम स्टेट के लिए SGST CGST लगाया जाता है और अदर स्टेट के लिए हम लगाते हैं IGST, ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात होगी तो वहां पर UTGST लगाया जाता है। तो ये सारे टैक्सेस होते हैं जिन्हें आपने देखा। अब यहाँ पे देखिए नरेशन हमने डाला था, वो नरेशन भी प्रिंट होकर आ रहा है
और ये ऐसा बिल आपको जनरेट होगा, और ये देखिए इनवॉइस नंबर किस तरह से प्रिंट होकर आ रहा है, जो हमने सेटिंग की थी सेम उसी तरीके से ये भी प्रिंट होकर आ रहा है। तो परचेज में इस तरह से हम इनवॉइस नंबर सेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने खरीदा उसके पेमेंट की बारी है, जो खरीदोगे उसका पेमेंट भी तो करना होगा, तो पेमेंट कैसे करोगे? पेमेंट वाउचर में जाकर के जो हम परचेज करेंगे उसका बिल चुकाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, ये जो बिल नंबर है इसको आप ध्यान दीजिए, इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर 120 है। अब बाहर आते हैं, इससे बाहर आ गए। अब हमको इसका पेमेंट करना है, जो भी हमने खरीदा उसका पेमेंट करना है, तो पेमेंट कैसे करेंगे? उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और कहां जाएंगे? पेमेंट वाउचर में जाएंगे, यानी F5 प्रेस करना है। ये आ गया पेमेंट वाउचर में। यहां पे डेबिट आ रहा है, डेबिट किसे करेंगे? डेबिटर, यही नाम था ना, एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां नीचे बैलेंस शो हो रहा है, देख रहे हैं, 1133.04 रुपए। यही था ना। अब इतना रुपया आपको पेमेंट देना होगा। देखिए यहां पे मैं करता हूं 1133 रुपए, ये हमने कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पर अपने आप जो है अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट होकर आ रहा है कि नहीं? अगेंस्ट रेफरेंस जब ये सेलेक्ट होकर आ रहा है, तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो पुरानी सारी डिटेल आ जाएंगी आपके सामने। ये देखिए, ये 120 नंबर का इनवॉइस नंबर था, सप्लायर इनवॉइस नंबर, मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहां पर आया जो है वो यहां पे अब पेमेंट करने जा रहे हैं, तो यहां पे ले लिया हमने और ये डेबिट हो गया। अब यहां पर कैश पेमेंट कर रहे हैं हम, तो यहां पे कैश कर देंगे। अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक के हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिए। यहां पे मैं कैश ही दे रहा हूं, तो यहां कैश कर लिया हमने, ठीक है। यहां पे नरेशन डाल देता हूं, ठीक है, ये दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया और ये हो गया। अब इसका अगर हमें प्रिंट देखना होगा तब क्या करेंगे? दो बार डी प्रेस कीजिए, डिस्प्ले में चलिए, पेमेंट वाले वाउचर में आ जाइए। यही है ना, यही है ना। अगर ऑल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो देख पाएंगे। यहां से इसको सेव करता हूं डेस्कटॉप पे, और यहां से डेस्कटॉप पे जाइए, सेव करिए इसे, और यहां से डबल क्लिक कीजिए। पेमेंट हैज गिवन टू सप्लायर, वो भी यहां पे प्रिंट होकर आ रहा है, और ये पूरी की पूरी रिसिप्ट भी प्रिंट होकर आ रही है, और 133 रुपए हमने पेमेंट किया है। अब 4 पैसे या 2 पैसे जो भी था बकाया, वो हमने पेमेंट नहीं किया है, तो वो कैसे पता चलेगा? यहां से बाहर आ जाइए आप पहले, ये बाहर आ गए। अब जैसे ही हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे, ये देखिए यहां पर आते हैं हम पेमेंट वाउचर में वापस। ये पेमेंट वाउचर है, पेमेंट किसे देना है? आयुष क्रेडिटर, ठीक है। अब यहां पे देख सकते हैं 4 पैसे शो हो रहा है ना, ये 4 पैसे शो हो रहा है कि नहीं? 4 पैसे हमने पेमेंट नहीं किए हैं। अगर ये 4 पैसे भी हम पेमेंट कर देते हैं, यानी कि 0.04, ये हमने लिखा, एंटर प्रेस किया, अगेंस्ट रेफरेंस ये कर दिया हमने। अब यहां पे कैश पेमेंट कर रहा हूं, एंटर प्रेस किया, इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब जैसे ही बाहर आएंगे, यहां पर दो बार डी प्रेस करता हूं फिर से, ये 4 पैसे वाला जो हमने पेमेंट किया था, ये वो वाला पेमेंट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये यहां से हम आ जाएंगे कहां? अकाउंटिंग वाउचर पे। और अब हम आयुष क्रेडिटर का लेजर यहां पे इंसर्ट करते हैं, यही है, यहां पे लगाया, एंटर प्रेस किया, तो अब यहां पे बैलेंस क्या शो हो रहा है? 0 शो हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा पेमेंट आपने कर दिया। तो इस तरीके से आप एंट्री बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इसमें कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।